सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंस्टाग्राम वाली एडिटिंग। सो अगर आप भी कुछ इस टाइप की एडिटिंग करना सीखना चाहते हो सो वीडियो में एंड तक बने रहो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। सो आपने कर लेना है पिक्सआर्ट को ओपन। ओपन करने के बाद आपने कुछ इस टाइप का ये वाला बैकग्राउंड मिल जाएगा आपको। इसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आपने कर लेना है ऐड अपना फ़ोटो। फ़ोटो को मैंने ऑलरेडी कट आउट करके रखा है, आप भी कट आउट कर लो। सो आपने कर लेना है इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है कुछ इस टाइप से आपने। सो इतना करने के बाद आपने क्या करना है, ऐड फ़ोटो पे टैप करना है और एक और पीएनजी मिल जाएगा आपको इंस्टाग्राम वाला, वो आपने कर लेना है ऐड। ये रहा हमारा पीएनजी। अब इसको मैंने क्या करना है कि इसको ब्लेंड मोड आपने रख लेना है डार्कन। यहाँ पर मैं टैप करके इसको डार्कन रख लेता हूँ। सो इतना करने के बाद आपने जूम कर लेना है और इसका साइज़ छोटा कर देना है आपने। छोटा करने के बाद आपने फ़ोन के ऊपर एडजस्ट कर लेना है और आपको यहाँ पर टैप करना है और आपको यहाँ ऊपर पे ऑप्शन मिलेगा एक मूव डाउन का, यहाँ पर टैप कर लेना है आपने। और इतना करने के बाद आपने ऐड फ़ोटो पे टैप करना है और एक और पीएनजी आपने ऐड कर लेना है। ये रहा सेकंड पीएनजी, हमारा इफ़ेक्ट वाला पीएनजी। इसको मैंने ऐड कर लिया है। इसको मैं कर लेता हूँ साइज़ इसका बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैंने एडजस्ट कर लिया कुछ इस टाइप से। सो इतना करने के बाद आपने क्या करना है कि इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करना है और इसको हाफ पे लेके जाना है। आपने इसको कर लेना है सेंटर में कुछ इस टाइप से। इतना करने के बाद आपने अरेज पे टैप करना है और आ जाना है अरेज पे। अरेज पे टैप करने के बाद इसकी हार्डनेस को आपने इंक्रीज कर देना है, डिक्रीज कर देना है ओपेसिटी को भी, और साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। इतना करने के बाद आपने कुछ इस टाइप से इसको अरेज कर लेना है। कुछ इस टाइप से आपने फेस के ऊपर से आपने कुछ इस टाइप से इसको अरेज कर लेना है। इतना करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से डन कर देना है। सो कर लेना है आपने इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देना है, 80% रख देना है। इतना करने के बाद आपने ऐड फोटो पे टैप करना है और एक और आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, वो आपने कर लेना है ऐड। मैंने कर लिया है ऐड स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट क्या है, मिस्टर फैसू की आईडी से मैंने वहाँ से कर लिया है, उसकी पोस्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया है। आप डार्कन मोड रख कर आप भी स्क्रीनशॉट ले लो, किसी का भी ले सकते हो, क्योंकि इसका थोड़ा सा लाइक वगैरह का ज़्यादा है इसलिए मैंने उसी का लिया है। और इसको क्रॉप करके आपने कुछ इसको नीचे वाली साइड लेकर एडजस्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, इसका ब्लेंड मोड आपने स्क्रीन रखना है और ब्लेंड मोड पे आपने जाना है, वहां से आप इसको कर लो स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद आप इसको कुछ सेट कर लेना अपने हिसाब से और आपने ऐड फोटो पे टैप करना है, एक और आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। वो स्क्रीनशॉट आप अपनी आईडी का भी ले सकते हो, अपनी आईडी जिसका पोस्ट होगा उसी का भी आप ले सकते हो, जिसका आप फोटो एडिट करना चाहते हो। सो मैंने कर लिया है, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लिया और इसको मैंने इसको ऊपर वाली साइड पे एडजस्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आपने इसका भी ब्लेंड मोड आपने स्क्रीन रख देना है। यहाँ से मैं कर लेता हूँ स्क्रीन इसको। और अब आपने क्या करना है कि इसको एडजस्ट कर लेना है आपने, ठीक से कर लेना है। और ऐड फोटो पे टैप करने के बाद आपने फिर से स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेना है। ये रहा स्क्रीनशॉट। अब आपने ये नीचे वाली साइड दिख रहा होगा आपको, ये सर्च वाला और ये रील्स वगैरह का आइकॉन, आपने इसी को सिर्फ क्रॉप करना है और क्रॉप करने के बाद आपने इसको नीचे वाली साइड में एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसको एडजस्ट और इसका ब्लेंड मोड या आपने स्क्रीन रख देना है। और स्क्रीन रखने के बाद इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेना है आपने। और यहाँ से हमारी होगी एडिटिंग कंप्लीट हो गई है। इतना करना है यहाँ से और यहाँ से इतना करने के बाद आपने यहाँ से कर लेना है डन और ड्रा टूल से फोटो को कर लेना है सेव। अब आपने इस फोटो को करना है लाइट रूम में ओपन और मैं कर लेता हूँ इसको लाइट रूम में ओपन कर लेता हूँ। या गया हम लाइट रूम में, आप यहाँ लाइट वाले ऑप्शन पे टैप करके इसको ब्लैक्स को आपने थोड़ा सा डिक्रीज कर देना है और वाइट्स को भी आपने डिक्रीज कर देना है और आपने शेडोज़ को भी थोड़ा सा डिक्रीज कर देना है, हाईलाइट को थोड़ा इंक्रीज कर देना है और कॉन्ट्रास्ट को भी आपने थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है।
इतना करने के बाद आपने आ जाना है कलर वाले ऑप्शन पे और सेकंड वाले ऑप्शन पे टैप करना है और सेचुरेशन को कर देना है डिक्रीज, ल्यूमिनस को आपने कर देना है इंक्रीज। तो आपने आ जाना है ब्लू वाले कलर पे और इसकी सेचुरेशन को आपने ह्यू को आपने फर्स्ट कर लेना है 50% के आसपास और सेचुरेशन को भी आपने 38% कर लेना है और ल्यूमिनस को भी 27% माइनस में कर देना है। और ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये वाला कलर, इसके भी आपने सेचुरेशन और ह्यू को इनक्रीज़ कर देना है और आ जाना है इसको इस वाले ऑप्शन पे, इसकी सेचुरेशन आपने थोड़ी सी इनक्रीज़ कर देनी है 20%। और यहाँ से डन करने के बाद आपने आ जाना है इस वाले ऑप्शन पे, इसकी क्लैरिटी को आपने थोड़ा सा इनक्रीज़ कर देना है और आपने इसका जो विंटेज होगा उसको भी आपने थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देना है 10%। सो आपने आ जाना है इस वाले ऑप्शन पे, इसको आपने इनक्रीज़ कर देना है फर्स्ट वाले, इन सब को आपने इनक्रीज़ कर देना है, नोस्ट रिएक्शन कलर, नोस्ट रिएक्शन स्मूथ को, इन सब को इनक्रीज़ कर देना है। सो आपका फाइनली फोटो एडिटिंग हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट कर देना है।